तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे मैंने पहले पत्ते वगैरह डाले थे जो अभी तक पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हुए हैं, पर फिर भी यहाँ की जो पहले की जो कुछ डंडियाँ थी प्लांट्स की स्टीम्स, वो अब बहुत इजीली ये हो रही है, टूट रही है, आप देख सकते हैं। और पोजीशन स्टेट में है, मैंने काफ़ी सारे मिट्टी निकाल दी है यहाँ पे, और ये भी निकाल के फिर उसमें कैंडल डालूँगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे खाली कर दिया है और मैंने यहाँ पे कैंडल रख दी है। इसके नीचे मैंने काफ़ी सारे छेद बना के रखे हैं और ये छेद बंद ना हो कभी मिट्टी की वजह से, इसलिए मैंने ये जूट के कुछ बोरियाँ थी मेरे पास पहले, वो मैं नीचे डाल रहा हूँ ताकि यहाँ से जो पानी है वो ड्रेन हो जाए और डायरेक्टली जो नीचे के होल्स है उनको बंद ना करें। तो आप देख सकते हैं कि मैं अभी ये कैंडल डाल रहा हूँ यहाँ पे, और इसके आजू बाजू में जो पत्तियाँ हैं वो सारी पत्तियाँ मैं यहाँ पे पहले डालूँगा और उसके बाद मिट्टी डालूँगा इसके ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कैंडल ली है, बट ये कैंडल मैंने ली ही क्यों है और ये कैसे दिखती है अंदर से, ये रिवर्स ऑस्मोसिस जो कमर्शियल लेवल पर यूज़ होते हैं उनकी वाटर फिल्ट्रेशन के जो मिनरल्स है उनको एब्जॉर्ब करने के लिए काम आती हैं ये। हालांकि मैंने इसकी एक प्रॉपर्टी देखी है कि ये पानी को अपनी तरफ एब्जॉर्ब करती है, जो आसपास जो भी पानी रहता है, जैसे अब मैं इसे ऊपर मिट्टी डालूँगा तो आसपास की जितनी भी जितना भी पानी होगा इससे जितना हो सके वो इसे एब्जॉर्ब करेगा। ये एब्जॉर्ब हुआ पानी ग्रेविटी की वजह से, बोलिए यहाँ का ज़्यादा पानी होगा वो नीचे चला जाएगा, नीचे तो पता ही है कि ड्रेनिंग सिस्टम है और ये भी प्रॉपर एक ड्रेनेज की तरह काम करेगा पत्तियों वाला खाद, और ये मॉइस्चर भी होल्ड करेगा जो पानी ज़्यादा होल्ड पत्तियाँ ज़्यादा पानी होल्ड करती है, बट ये पानी ये कैंडल एब्जॉर्ब करेगी और ये पानी एब्जॉर्ब करने की वजह से ये बाहर से निकल जाएगा। और एक चीज़, जब ज़्यादा हीट हो जाती है तो यहाँ पे जो गैसेस कहना सही नहीं होगा, जो पानी की वेपर्स हैं वो ऊपर आना चाहती हैं, बट वो प्रेशर होने के वजह से ऊपर ना आके यहाँ से क्रैक कर देंगी इस जो ड्रम है, क्योंकि ये इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है कि जो मतलब सह पाए उतना प्रेशर जो वाटर वेपर्स का, तो वो जो वाटर वेपर्स है वो निकलनी चाहिए। तो मैं इधर इधर होल्स इस ड्रम को होल्स ना बना के बीच में इस कैंडल के वजह कैंडल के हेल्प से यहाँ जो भी ह्यूमिडिटी या वेपर्स होंगे वो इस कैंडल के वजह से ऊपर आ जाएंगी यहाँ से। और एक चीज़, जब बहुत ज़्यादा पानी हो या समर टाइम हो या विंटर टाइम हो, यहाँ से एयर नीचे तक जाएगी और नीचे से मतलब ये सर्कुलेशन करेगी एयर को, तो उस वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो भी प्लांट होगा उसको जो एयर चाहिए ऑक्सीजन चाहिए वो इसके आसपास के जो रूट्स हैं उस प्लांट के उसके आसपास रहेंगे और यहाँ से एयर लेंगे ताकि वहाँ से प्रॉपर एरेशन हो। तो ये कैंडल उस एक इंटेंशन के वजह से ही मैं यहाँ लगा रहा हूँ। मैंने हर एक ड्रम में जो पहले उसमें कैंडल नहीं थी, ये कैंडल्स मैंने रिवर्स ऑस्मोसिस वाले से लाए हैं और इनको इस तरह से असेंबल किया है। ऐसे ही मिट्टी मैंने बाकी ड्रम्स की भी निकाली है और इस तरह से कैंडल लगा के उसमें और ये मिट्टी और जो खाद है और मुझे कुछ ऐड ऑन करना हो वो ऐसी चीज़ें मैंने डाल के इसको कैंडल के रख के ये मिट्टी मैंने डाली है और वहाँ पे प्लांट अभी लगाने वाला हूँ, बिकॉज अभी समर टाइम है, जैसे ही रेनी सीजन शुरू होगा मैं प्लांटेशन करना शुरू कर दूंगा।
तो चलिए इसके ही साथ अब ये वाली जो मिट्टी बची है और ये वाली, इसको यहाँ पे डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे राइस हस्क भी डाला था, और इस राइस हस्क की कितनी सारी कंप्रेस्ड लेयर बन चुकी है। ये इतनी बड़ी मैंने राइस हस्क डाली थी और ये इतनी कंप्रेस होके इतनी सी बन गई है जैसे कि वो पत्ते जो मैंने पहले डाले थे। ये भी काफ़ी अच्छी तरीके से डिकम्पोज हो चुकी है और मिट्टी के साथ मैंने इसे पहले ही मिला दिया था, और जो थोड़ी बहुत बची है वो भी मिला दी है। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पूरी तरह से इसमें मिट्टी डाल दी है और ये नीचे का बॉटम तक जाने वाला ये वाला कैंडल। इसके अलावा मैंने ऐसा ही हर ड्रम में उन्हें हाफ कट करके यहाँ पे इस तरह से कैंडल्स डाली हैं। अब ये जो बड़ा है मैंने इसे काटा नहीं है, बट इसमें भी एक प्लांट है, और इसी के साथ ये जो ड्रम है इसमें सिर्फ पत्तियाँ जो वेस्ट है वही डाला हुआ है। और ये जब डिकम्पोज हो जाएगा, इसमें काफ़ी एयर बीच बीच में है, ये जब डिकम्पोज हो जाएगा तो उस तरह की पपड़ियाँ बनेंगी इसकी। तो इसमें भी मैं थोड़ा सा ये जो बची हुई मिट्टी है ये डाल दूँगा और इस पर पानी डाल दूँगा, और थोड़ी मिट्टी लाऊँगा और डालूँगा और पानी डालूँगा। इसमें मैं कैंडल इसलिए नहीं लगा रहा हूँ कि ये उसके लिए मुझे रिक्वायर्ड नहीं लग रहा कि बहुत सारी पत्तियां हैं, बहुत सारी मिट्टी है, और कैंडल लगाऊंगा तो ज़्यादा मुझे स्पेस नहीं मिलेगी क्योंकि कैंडल का साइज़ ज़्यादा बड़ा है और ये छोटा सा ही है, तो इसके लिए रिक्वायर नहीं है छोटे ड्रम्स के लिए कि आप उस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट करो इस पर। सिंपली लगाओ और बीच बीच में इधर आप होल्स बना सकते हो एरेशन के लिए। और मिट्टी डालूंगा, जिस तरह से ये मिट्टी का जो वेट है वो ज़्यादा होता है और पत्तियों का वेट काफ़ी कम होता है, तो ये जैसे जैसे नीचे नीचे दबती जाएंगी वैसे वैसे उन पत्तियों का खाद और अच्छे से बनेगा।